हेलो दोस्तों, एमआरसी टेक्नीशियन में फिर से एक नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग एचयू चिल्ड वाटर पाइपलाइन कनेक्शन टू वे बल्ब एंड थ्री वे बल्ब के बारे में हम लोग जानेंगे। समझ गए? तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक ड्रॉइंग बनाया है। ये एचयू का हमारा, ये एचयू का एक ड्रॉइंग है, एचयू कूलिंग कॉइल। ठीक है, ऑलरेडी एक एचयू का हमारा वीडियो अपलोड है जिसमें हम आपको डायरेक्ट लाइव वीडियो में दिखाए हैं कि कहाँ पे प्री फिल्टर यूज किया गया है, फ्रेश एयर कैसे ऐड हो रहा है और उसके अंदर ब्लोअर मोटर किधर है, कूलिंग कॉइल और पानी का इनलेट आउटलेट। तो फुल डिटेल्स उसका है उस वीडियो में, आप उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर उस वीडियो को वॉच आप नहीं किए तो उसको आप देख लेंगे। आज हम ये ड्रॉइंग बनाए हैं कि ये पाइपलाइन कनेक्शन में ये हमारा एक यूज होता है टू वे बल्ब एंड थ्री वे बल्ब, इसका क्या काम है, ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि इसके बारे में आप बताइए, तो हम आज आपको इसके बारे में बताएंगे। तो उसके साथ साथ हम फुल ड्राइंग बना दिए हैं कि बाकी चीज को भी हम एक्सप्लेन कर दें साथ साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो लाइन आपको एचयू में इंटर आपको करता है, दो लाइन आपको देखने को मिलेगा, एक हमारा इनलेट और दूसरा हमारा आउटलेट। तो चिल्ड वाटर सप्लाई ये हमारा चिलर से आ रहा है, चिल्ड वाटर सप्लाई का एक लाइन हो गया, दूसरा जो इधर से आउट किया ये हमारा चिल्ड वाटर रिटर्न है, ये हमारा वापिस चिलर में जाता है, वहां पे जाकर के वापिस से ठंडा होकर के वापिस चिल्ड वाटर सप्लाई में पाइपलाइन में आ जाता है। ठीक है, अभी ये इसका फंक्शन अलग है, मतलब प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप बीच में यूज होता है, तो उसका भी एक वीडियो प्राइमरी पंप सेकेंडरी पंप का है, उसका भी हम डाल देंगे। और दूसरा एक चिलर प्लांट का ओवरव्यू पूरा एक ही ड्रॉइंग में हम सब बताए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहेगा, तो आप उसको जरूर वॉच करेंगे तो आपको थोड़ा समझने में ज्यादा अच्छा रहेगा और आप अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे इसमें कौन कौन से डिवाइस लगाए। यहाँ पे देखिए एक बल्ब लगा हुआ है, बटरफ्लाई बल्ब, यहाँ पे ग्लोब बल्ब भी लगा सकते हैं, बटरफ्लाई बल्ब यहाँ पर एक लगाया हुआ है। दूसरा यहाँ पे वाई स्टेनर, ये हमारा जब गंदा हो जाता है, जब पानी का सप्लाई में लगाया हुआ रहता है, जो पानी का अगर कुछ कचरा वगैरह जो रहता है ना, उसको ये रिफ्रेश करता है, फ्रेश करता है ये, अब मतलब इसके अंदर जाली जैसा रहता है और उसके अंदर कचरा को स्टोर करके बाद में हम लोग इसको साफ कर लेते हैं। ये हमारा अपना ईयरली पीपीएम रहता है ना, उसमें हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं। सेकंड यहाँ पे गेज, प्रेशर गेज, हमारा कितना प्रेशर इसके अंदर इंटर कर रहा है पानी का, वो हम लोग इसमें चेक करेंगे। दूसरा यहाँ पे हमारा थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर पे पानी का टेम्परेचर कितना यहाँ आ रहा है, क्यों आपका चिलर प्लांट कहीं और लगाया हुआ है और एचयू जो है आपको दूसरे जगह पे लगाया हुआ है, तो लंबा डिस्टेंस होता है, तो उस बीच में टेम्परेचर का थोड़ा डिफरेंस भी आता है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हम लोग वॉच करेंगे। दूसरा यहाँ ड्रेन लाइन है, ड्रेन भल्व यहाँ पर दिया हुआ है पानी को ड्रेन करने के लिए, जैसे 20 एरिया पानी, अभी इसका मान लीजिए हमको कुछ काम करना है तो ये भल्व को हम फुल क्लोज करेंगे, बाद में यहाँ ड्रेन लाइन से पानी को निकाल देंगे। ठीक है, ड्रेन लाइन को पूरा पानी को इधर भी हम लोग भल्व क्लोज करेंगे कि वो बाद में वो भी अपना जो पानी जो इधर रिटर्न में जा रहा है वो पानी वापस भी इधर आएगा, तो हम लोग इधर भी क्लोज कर देंगे, ये इन और आउट का दोनों भल्व क्लोज करके इसको हम लोग क्लीन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। बाकी इसके अंदर एंटर किया, इस नीचे का इन कराने का मकसद ये है कि कूलिंग पर्पस से यूज किया जाता है, कभी भी जो है इनलेट को नीचे से इन कराया जाता है चिल्ड वाटर सप्लाई को और ऊपर से आउट कराया जाता है, इसका अलग टॉपिक लंबा टॉपिक हो जाएगा, हम लोग इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। अभी यहां से आउट में आप आएंगे तो यहाँ पे एक पर्ज वाल्व रहेगा, इससे क्या होता है कि हम लोग अभी मान लीजिए सर्विस करने के बाद अपना स्टैंडर वगैरह जो भी है तो अभी इसके अंदर थोड़ा एयर आ जाता है, तो एयर को रिमूव करने के लिए हम लोग इसको प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे यह भल्व को खोल के रखते हैं तो एयर जो है हमारा रिमूव हो जाता है। ठीक है, बाद में पानी आने लगता है तो हम लोग उसको बंद करते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये हमारा इनलेट में थर्मोमीटर था और ये हमारा आउटलेट में भी थर्मोमीटर है, इनलेट में प्रेशर गेज है, आउटलेट में प्रेशर गेज मिलेगा, दोनों का डिफरेंस। अभी जैसे हमारे डेल्टा टी आपको बोल दिया एचयू का निकालने के लिए, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि कितना डेल्टा टी आ रहा है, तो डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन इनलेट टेम्परेचर एंड आउटलेट टेम्परेचर इज कॉल्ड डेल्टा टी, सेम आपका डिफरेंस बिटवीन इनलेट प्रेशर एंड आउटलेट प्रेशर इज कॉल्ड डेल्टा पी, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं डेल्टा टी एंड डेल्टा पी एचयू का, सेम आप चिलर का भी इस तरह से निकाल लेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़े, यहाँ आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपको एक देखने का मिलेगा, मेन काम हमारा ये कंट्रोल वाल्व का है। अभी मान लीजिए हमने ये एफसीयू है या एचयू किसी भी तरह का हो सकता है, इसको हम लिख देते हैं,
HU एंड FCU, ये हमारा ये चीज देखने को मिलेगा HU और FCU में। तो अभी मान लीजिए हमारा रूम का टेम्परेचर हमने 20 डिग्री तक सेट करके रखे हुए था, तो अभी चिल्ड वाटर कंटिन्यूअसली इसके अंदर आते रहेगा तो रूम ज्यादा चिल्ड हो जाएगा। तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हमारा कंट्रोल वाल्व लगाया जाता है। इसको दो तीन नाम से हम लोग जानते हैं, एक्चुएटर कंट्रोल वाल्व, टू वे वाल्व, थ्री वे वाल्व के नाम से भी जानते हैं। अभी इसके अंदर से क्या होता है, कम्युनिकेशन वायर निकला हुआ रहता है और उस हिसाब से ये कंट्रोल होता है। हम यहाँ पे एक ही वीडियो में टू वे वाल्व और थ्री वे वाल्व का हम आपको फुल फंक्शन बताएंगे। अभी यहाँ पे जो हम कनेक्शन किए हैं टू वे वाल्व का कनेक्शन किए हुए हैं, इसमें तीसरा वाल्व तीसरा लाइन जो है यूज किया हुआ नहीं है। बहुत जगह आप एचयू में देखे होंगे कि ये दो लाइन रहता है, उसके बाद एक बीच में पार्टीशन जैसा एक लाइन आपको देखने को मिलता है, तो वो लाइन हमारा थ्री वे वाल्व में यूज होता है। वो कैसे वर्क करता है वो भी हम आपको बताएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन अगर आप लोग अच्छे से देखते हैं तो पूरा डिटेल्स इसको समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे आगे आया, इस लाइन का भी हम लोग बता देते हैं इसका भी क्या काम है। अभी मान लीजिए हमारा एक्चुएटर या ये जो लगा हुआ है कंट्रोल वाल्व ये खराब हो जाता है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एचयू का हमको चालू रखना है कंटिन्यूअसली, वहां पे रूम में टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इस लाइन को ओपन कर देंगे और ये दो वाल्व को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। इसको निकाल के हम लोग बाहर से मार्केट से ला करके चेंज करना, जो भी करना है इसका मेंटेनेंस इसको हम लोग करेंगे और ये पानी का लाइन को बाईपास हम लोग कर देंगे। इसके जरिए पानी को बाईपास कर दिया जाएगा। यहाँ पर आगे यूज होता है रिटर्न लाइन में डीआरवी, डबल रेगुलेटिंग वाल्व। इसका जो है ना प्रेशर को बैलेंस, सीधा समझिए कि प्रेशर को बैलेंसिंग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब टू वे वाल्व जो है, अभी मान लीजिए ये काम कैसे करता है, जब हमारा रूम का टेम्परेचर आ जाता है तो उसके बाद ये वाल्व को जो है क्लोज पोजीशन में लाने लगता है, ठीक है, ये क्लोज पोजीशन में आने लगता है, जिसके चलते यहाँ पर जो हमारा जो सप्लाई चिल्ड वाटर है इसके अंदर स्टोर होता है और ये पानी का टेम्परेचर बढ़ने के चलते जो है यहाँ पे रूम जो है जो एयर हमारा जो आ रहा है ना रिटर्न एयर आ रहा है, तो अभी क्या है यहाँ पे चिल्ड वाटर से वो उसके कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, चिल्ड वाटर का कॉन्टेक्ट में लाया जाता है, जिसके जरिए हमारा जो रूम का गर्म हवा है उसको वापिस ठंडा करके वापिस इधर में, मान लीजिए यहाँ पे ये सप्लाई डक्ट है, सप्लाई डक्ट है और ये रिटर्न डक्ट है, तो इधर से रिटर्न हमारा टेम्परेचर बढ़ के आता है रूम से और वो यहां से आउट करेगा, तो ये हमारा टेम्परेचर ठंडा करके, हवा का टेम्परेचर ठंडा करके जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा पानी जो आ रहा है ना ठंडा पानी, वो इसका हीट को लेकर के ये थोड़ा गर्म हो जाता है पानी, ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर आने के बाद जब ये वाल्व क्लोज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि पानी वही टेम्परेचर बढ़ा हुआ पानी रहेगा, दूसरा हमको चिल्ड वाटर ठंडा मिल नहीं रहा है कि जो पहले से पानी आया, यहाँ वाल्व क्लोज कर दिया, इधर पानी निकलने का रास्ता रहेगा तब तो यहाँ पे दूसरा पानी एंटर करेगा, बट यहाँ पे अगर क्लोज हो जाता है तो ये पानी यहीं पे स्टोर रहेगा, तब इस सिचुएशन में पानी अपना रूम का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर वापिस अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया जितना मैं आप सेट किए उसके हिसाब से ये वाल्व को थोड़ा थोड़ा ओपन करना स्टार्ट करता है और पानी उस हिसाब से पास होता है, तो वो उस हिसाब से सेटिंग किया हुआ रहता है। लेकिन अभी मान लीजिए फाइनली क्लोज हो गया, तो क्लोज होने के बाद तो ये पंप को मान लीजिए फाड़ सकता है, ये भी ऑप्शन है ना यहाँ पे, अगर मान लीजिए प्रेशर उधर से जो पंप चल रहा है तो पंप का प्रेशर इधर आ रहा है और ये हमारा वाल्व क्लोज कर दिया तो ये लाइन में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है कि ये हमारा बेसिकली बीएसटी पे काम करता है, ये पंप जो है ना यहाँ से कम्युनिकेशन जाता है पंप को वीएफडी के पास, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल स्पीड ड्राइव के पास जाता है और इसके साथ वही पंप यूज किया जाता है। इससे क्या होता है कि अपना पंप का स्पीड जो है, मान लीजिए स्पेशली एक एचयू के लिए तो हमारा सिस्टम नहीं लगाएगा ना, 10 12 एचयू है 15 एचयू है, तो 10 मान लीजिए एचयू में 5 का अगर मान लीजिए वाल्व क्लोज पोजीशन में टेम्परेचर आ गया रूम का, तो 5 का वाल्व क्लोज पोजीशन में है तो उस टाइम मोटर को कमांड जाते हैं यहाँ से कम्युनिकेशन जाता है कि इस तभी हमें रिक्वायरमेंट उतना नहीं है पानी का प्रेशर का, क्यों 10 एचयू को भेजने के लिए पंप का स्पीड ज्यादा आरपीएम ज्यादा फ्लो कराएगा जिसके चलते हमारा सभी एचयू के पास पानी पहुंचेगा। लेकिन अगर 5 को क्लोज हो गया तो 5 के लिए अब तो स्पीड, अब तो पानी उतना नहीं चाहिए, प्रेशर ये हो जाएगा बढ़ जाएगा, अभी यहाँ क्लोज होने के बाद वापस आते रहेगा तो प्रेशर बढ़ेगा ना, तो उस सिचुएशन में जैसे ही प्रेशर बढ़ता है कमांड जाता है पंप को और पंप जो है अपना स्पीड आरपीएम को वीएफडी के जरिए कम कर लेता है, जिसके चलते हमारा पावर सेविंग भी होता है, जो हमारा अगर मान लीजिए पावर का जो भी खर्चा आता होगा वो भी कम आएगा, तो ये चीज होता है यूज हमारा। अगर वो नहीं डाला हुआ है
मान लीजिए वीएफडी वीएचडी पंप भी कहीं भी नहीं डाला हुआ रहता है, तो आप देखे होंगे बहुत जगह पे कि चिल्ड वाटर सप्लाई और रिटर्न लाइन को जो है मेन हेडर कनेक्टर, अभी ये हम लोग चिल्ड वाटर अभी मान लीजिए 10 HU है, तो 1/1 10 HU रहेगा तो मेन लाइन एक आता है, यहां पे देख रहे हैं ना, ये मेन लाइन है, ठीक है। एक लाइन हमारा क्या कहते हैं सप्लाई का है, मान लीजिए ये मेन हेडर जो है ये सप्लाई का है, और एक लाइन जो है हमारा रिटर्न का, ठीक है। ये हमारा टू आ रहा है चिलर, ठीक है, ये चिलर से आ रहा है, ये वापस चिलर में जा रहा है, इस इधर इसके बीच में आपको पंप देखने को मिलेगा। अभी इससे हम एक एक पॉइंट को लिए कनेक्शन, तो लास्ट में आप देखे होंगे कहीं पे कि सप्लाई और रिटर्न को लाइन को जोड़ा हो रहा था, वहां पे मॉड्यूलेटिंग वाल्व यूज किया जाता है। और अभी मान लीजिए अभी पंप का मान लीजिए कांस्टेंट पंप लगाया हुआ है जो एक ही प्रेशर में काम कर रहा है, उसके अंदर कोई भी एक ही स्पीड में वो काम कर रहा है, तो उसके अंदर क्या है कि अभी यहां पे आने के बाद जो है मॉड्यूलेटिंग वाल्व जो है उसके हिसाब से कंट्रोल करेगा, और जो सप्लाई एयर जो आ रहा है ना वापिस जो है थोड़ा रिटर्न में उधर मिक्स हो जाएगा, इधर ना आ करके उधर आगे जाएगा या दूसरा एचयू में जाएगा, उस हिसाब से वापिस अपना रिटर्न में सप्लाई चिल्ड वाटर जो है रिटर्न में मिल जाएगा और फिर वो वापिस चिलर में चला जाएगा। तो ये प्रोसीजर हो गया टू वे बल्ब का, ठीक है, ये हमारा टू वे बल्ब है। अभी यहां पे हम लोग थ्री वे बल्ब का फंक्शन जानेंगे कि थ्री वे बल्ब जो हमारा वो कैसे काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं अब यहां पर हमने थ्री वे बल्ब का कनेक्शन किया, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये हमारा थ्री वे बल्ब है, इस कंडीशन में क्या होता है इसके साथ हम लोग अपना एक प्रेशर का पंप जो है कांस्टेंट प्रेशर का पंप हम लोग यूज कर सकते हैं, एक मतलब एक ही स्पीड पे वो चलने का पंप को यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमारा क्या ऑप्शन है कि अभी हमारा रूम का टेम्परेचर मान लीजिए आ गया, ठीक है, अभी रूम का टेम्परेचर हमको मिल गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये पानी आगे जा रहा है, इधर जाने के बाद ये बल्ब को क्लोज करेगा, तो ये क्या है ना, इसका फंक्शन क्या है कि फाइनली कभी भी फुल क्लोज नहीं करता है, या तो करेगा क्लोज अगर एक पोजीशन को क्लोज किया दूसरा पोजीशन ओपन हो जाएगा, दूसरा पोजीशन को क्लोज किया तो फर्स्ट वाला पोजीशन ओपन हो जाएगा। इसमें एक हमारा इनलेट है और दो हमारा इसमें आउटलेट है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। अभी यहां पे क्या होगा, इधर से पानी आ रहा है, ठीक है, इधर से पानी आ रहा है, इसको टेम्परेचर मिल गया, टेम्परेचर मिलने के बाद हमारा अभी ये बल्ब को क्या करेगा, क्लोज पोजीशन में करेगा, ठीक है, इसको क्लोज करने के लिए अपना प्रोसीजर करेगा। तो अभी क्लोज जैसे जैसे होगा ना, तो इधर का लाइन को क्लोज होगा, ये लाइन जो है हमारा क्लोज होगा, ये लाइन हमारा क्लोज होगा और ये वाला लाइन जो है हमारा ओपन होएगा, ठीक है, ये लाइन हमारा ओपन होएगा, तो ये पानी इधर ना जा करके यहां से जो है पानी रिटर्न चिल्ड वाटर रिटर्न में आ जाएगा, सप्लाई वाटर जो है वापस इधर से होते हुए ये हमारा रिटर्न में आ जाएगा और वो वापस चिलर में चला जाएगा ठंडा होने के लिए। तो ये प्रोसीजर होगा अगर इसका टेम्परेचर मिल गया, फिर टेम्परेचर इसका बढ़ता है, रूम का टेम्परेचर बढ़ता है, वापिस ये क्या करेगा बल्ब को फिर ऊपर, इसका फंक्शन मालूम है क्या होता है, कभी भी आप देखें ना इसका प्लंजर जब नीचे पोजीशन में जाता है तो समझिए कि बल्ब फुल ओपन है, ये क्लोज पोजीशन में हो गया, लेकिन जब ये ऊपर की ओर उठता है ना, आप सामने से देखेंगे तो मालूम चलेगा, जब ऊपर की ओर उठ रहा है तो उस टाइम समझिए कि ये लाइन को क्लोज कर रहा है, ठीक है, पानी इधर से बाईपास हो जाएगा वापिस। तो ये हमारा प्रोसीजर है थ्री वे बल्ब का, टू वे बल्ब का। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट है, समझ में नहीं आया और आप किसी और दूसरे टॉपिक पे चाहते हैं जानकारी के लिए, तो आप लोग कमेंट में मैसेज करें, उम्मीद है हम आप लोग को उस पर बताने का कोशिश करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, और अपना कमेंट में जरूर अपना बताएं, राय दें कि कैसा आपको वीडियो लगा, समझ में आया नहीं आया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, अपना आप ख्याल रखें।